हेलो दोस्तों, तो इन्फोसिस का क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट आ चुका है और दोस्तों रिजल्ट बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आया है। तो आप लोगों को इन्फोसिस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो यही चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर लॉस है तो एग्ज़िट भी कर सकते हो। तो ये रहा रिज़ल्ट, आप लोगों के सामने यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। इन्फोसिस क्वार्टर थ्री प्रॉफिट जंप 23.5% यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि बहुत अच्छा ग्रोथ आया है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो दोस्तों इसने रिज़ल्ट को अनाउंस किया, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए बताया जा रहा है कि 23.49% ईयर ऑन ईयर रेज इन प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। मतलब ईयर ऑन ईयर कम से कम तो यहाँ पर देख सकते हैं 23 पॉइंट, मान लीजिए अराउंड 25 एक अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं। तो दोस्तों मतलब कि जैसे ही एक साल होगा इसका जो है डबल हो जाएगा, समझ में आ रहा है दोस्तों, इसका जो वैल्यू होगा वो डबल हो जाएगा। एक साल का टाइम लगेगा लेकिन आप लोगों को अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। और ऊपर से देख लेते हैं कि इसका जो रेवेन्यू है वो कितना ग्रोथ हुआ है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर रोज़ यहाँ पर देख लीजिए 7.9, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 8 मान लीजिए, 8% का देख सकते हैं यहाँ पर जो है ग्रोथ देखा जा रहा है। किस में? रेवेन्यू में, ठीक है, रेवेन्यू में भी यहाँ पर आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखा जा रहा है। और ये दोस्तों रिज़ल्ट जो है अनाउंस हुआ है इवनिंग को, मतलब कि मार्केट बंद होने के बाद ये रिज़ल्ट को अनाउंस किया गया। अब देखिए आने वाले वर्किंग डे में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आप रियल में शेयर मार्केट में जो है कमाई करना चाहते हैं तो, ठीक है, जब इन्फोसिस का प्राइस अभी जो करेंट प्राइस देख रहे हैं 740 है, जब इन्फोसिस का प्राइस गिर चुका था, मतलब ये 650 के आसपास गिर चुका था, और कहाँ से गिरा था ये देखिए वन डे का चार्ट है, मैं आपको वन मंथ का दिखाता हूँ, ठीक है, ये वन मंथ का है, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, मैं पूरा चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए इसने जो हाईएस्ट बनाया था, देखिए 850 का इसने हाईएस्ट बनाया था, उसके बाद बहुत ज़्यादा गिरावट आई। एक न्यूज़ आया था इसके सीईओ के ऊपर कि वहाँ पर कुछ फ्रॉड किया गया है, रिजल्ट को जो है अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने के लिए कुछ गड़बड़ किया गया, ठीक है। उसके बाद ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका था, यहाँ पर देख सकते हैं अराउंड 650 के आसपास आ चुका था, 650 को। तो बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर थे जो वीडियो बना के बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि इन्फोसिस में बहुत ज़्यादा गिरावट देखा जा रहा है, ठीक है, यही बताया जा रहा था, इन्फोसिस में बहुत ज़्यादा गिरावट देखा जा रहा है, मतलब जो गिर गया वही चीज़ आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है। आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ पर देख सकते हैं 650 के प्राइस आया था, उसके बाद से यहाँ पर देख लीजिए क्या हुआ दोस्तों, अपर सर्किट मारना स्टार्ट किया और आज आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं 740 के आसपास है, ठीक है। तो क्या आपको उस टाइम कोई बताया था? नहीं बताया था, लेकिन दोस्तों ये परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट है, यहाँ पर आपको पहले बता दिया जाता कि आपको खरीदारी करना है कि नहीं। आइए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कि हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आपको बताया गया था कि 650 के भाव पे आपको चुपचाप खरीदारी कर लीजिए, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, नहीं तो ये प्रॉफिट आपके हाथ से निकल जाएगा। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कि हमारे YouTube चैनल में आपको पहले बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पहले तो आपके पास थंबनेल है, देख सकते हैं इन्फोसिस, ठीक है, ये साइड इन्फोसिस लिखा हुआ है, देखिए खरीदो और भूल जाओ, ठीक है, बाय नाउ लेटेस्ट गुड न्यूज़ माला माल कर देगा करके, ठीक है, ये था थंबनेल। आप टाइटल देख लेते हैं, इन्फोसिस लेटेस्ट गुड न्यूज़ खरीदो और भूल जाओ, ठीक है। ये वीडियो मैंने कब अपलोड किया था, डेट भी दिखाना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हैं अराउंड 22 अक्टूबर को मैंने ये जो वीडियो है अपलोड किया था, और साफ साफ बोला था दोस्तों इन्फोसिस बहुत ज़्यादा गिर चुका है, जब ये उठना स्टार्ट करेगा तो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगा, आपको खरीदना है तो खरीद लो। चलिए अब आपके सामने यही वीडियो देखिए मैं आपके सामने प्ले करता हूँ। इन्फोसिस कंपनी को खरीद के भूल जाओ, देगा बहुत बड़ा प्रॉफिट, ये भारी गिरावट का फायदा उठा लो, हो सकता है कि आपको ये हाथ से मौका छूट जाए। तो ये देखिए मैंने वीडियो स्टार्ट करते ही आपको बोला कि दोस्तों इन्फोसिस कंपनी को चुपचाप खरीद लो, ये हो सकता है ये भारी गिरावट का ये जो अपॉर्चुनिटी है आपके हाथ से निकल जाएगा। और उस टाइम कितना प्राइस चल रहा था यहाँ देख सकते हैं 654, मतलब कि दोस्तों जस्ट 650 जितना लोएस्ट बनाया था उस प्राइस पे। आज के डेट में देखिए इन्फोसिस जब ऊपर चला जाएगा ना तो बहुत लोग बोलेंगे वीडियो बना के कि हाँ इन्फोसिस आज देख सकते हो इतना हो गया, इतना गिर चुका था, ये हो गया, मुझे भी दिखाई दे रहा भाई साहब कहाँ से कहाँ गया, क्या आपने पहले बताया? अगर आपको पहले पता रहता कि देखिए अगर हमारे जो ये हैं राकेश झुनझुनवाला टाइटन कंपनी 2 रुपये से खरीदे, आज के डेट में 2000 हो गया, ठीक है, तो 2 रुपये का जो स्टॉक है 2000 बन गया, आज हमें पता है,
आज के डेट में पता है, जब 2000 बन गया तब हमें 2 रुपये का, जब 2 रुपया था टाइटन कंपनी तब तो नहीं पता था। अगर कोई बता देता हमें कि ये जो टाइटन कंपनी है ये 2 रुपया का जो स्टॉक है वो 2000 होने वाला है, खरीद लो, तो आप खरीदते कि नहीं? मतलब पहले बताया गया, ठीक है। अब क्या है, न्यूज़ बाद में आती है कि टाइटन कंपनी को जो है राकेश झुंझुनवाला ने खरीद लिया, अब 2000 हो चुका है, वो करोड़पति बन गया, मतलब कहानी खत्म हो गया, एंड ऑफ द स्टोरी। तो ये होता है, बहुत सारे यूट्यूब में आपको ऐसे बताया जाता है। देखिए मैं आपके सामने एक बार और वीडियो प्ले करता हूँ, और देखिए आपको यहाँ पर प्राइस थोड़ा धुंधला दे रहा होगा, लेकिन प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा यहाँ पर, लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा है। और देख लीजिए, इन्फोसिस 14% गिर चुका था, 14.74, अराउंड 15% गिर चुका था, 15%। मतलब जब स्टॉक गिरा तब मैंने खरीदने को बोला, जब स्टॉक उठा तब मैंने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि जब स्टॉक ऊपर जाएगा तब तो सब बोलेंगे कि हाँ इसमें इतना तेजी देखी जा रही है, खरीद लो। तो फिर फायदा ही क्या है? जो आपको दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। एक बार और वीडियो प्ले कर देता हूँ। इन्फोसिस कंपनी को खरीद के भूल जाओ, देगा बहुत बड़ा प्रॉफिट, ये भारी गिरावट का फायदा उठा लो, हो सकता है कि आपको ये हाथ से मौका छूट जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ आपको बताया जाता है, ये है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट का चैनल। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों इन्फोसिस जब इस प्राइस पे था तो भी मैंने आपको बोला था बाय करने, और आज के डेट पे भी मैं आपको बोल रहा हूँ बाय करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आज का जो करंट प्राइस है 740, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 600 जो आपको दिखाया जा रहा है, जब पूरा प्राइस गिर चुका था तब जाके मैंने बोला था। आज के डेट में बहुत लोग बताएंगे कि इन्फोसिस का देखिए इतना परसेंट जो है इसमें तेजी दिखा गया है, इन्फोसिस इतना गया उतना गया, सबको दिख रहा है भाई। देखिए मैं आपको इसलिए अभी भी बोल रहा हूँ खरीदारी करने के लिए, क्योंकि इन्फोसिस अपना लागत 1 साल के अंदर जो है डबल करने के लिए कोशिश करता है, ठीक है। कम से कम अगर वो डबल नहीं भी हो पाया, चलिए डबल नहीं भी हो पाया, अगर किसी भी तरह मान लीजिए 60% कर दिया, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपको 1 साल के अंदर ये 30% दे दे, मिनिमम 30%, मैक्सिमम तो 40-50 भी हो सकता है ना, 50 भी हो सकता है। अगर 1 साल में अगर आप 50% आप अर्न कर लेते हैं तो सोचिए बैंक से रिलेटेड कितना अच्छा है। और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच के आप येस बैंक, आरकॉम, ऐसे वैसे कंपनी में मत लगा दो जो आपका पैसा, आप सोच रहे हो कि मेरा पैसा डबल हो जाए, और डबल होने की जगह आपका पैसा 0 हो जाए। तो पैसा वहाँ लगाना है जहाँ आपका कैपिटल सेफ रखता हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, लेकिन कैपिटल सेफ रहना चाहिए। उसका बाद प्रॉफिट जो होगा होगा, ठीक है, हम एक्सेप्टेबल हैं जो भी प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस हो जाएगा तो क्या? अगर पूरा पैसा ही डूब जाएगा तो वैसे वैसे स्टॉक में आपको पैसा नहीं लगाना, ठीक है। तो आज के डेट में भी मैं बोलूंगा इन्फोसिस अच्छा कंपनी है, क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा परफॉर्म किया है। और देखिए जो लोग अब खरीदारी करेंगे कोई फायदा तो है नहीं, क्यों? क्योंकि जब ये 650 के भाव से तो अभी 750 आने वाला है, 100 पॉइंट पहले ही बढ़ चुका है, ठीक है। 100 पॉइंट का मतलब इसमें जो है 10-12% की तेजी आ चुकी है, और आने के बाद क्वार्टर रिजल्ट भी आ चुका है, शाम को अनाउंस हुआ है। उसके बाद देखिए आने वाले दिनों में भी ये बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इन्फोसिस। इस प्राइस पर भी अगर आपको खरीदारी करना है दोस्तों तो भूलिए, मतलब सोचना ही नहीं है, झट से खरीद लो, काम खत्म। दोस्तों ऐसे कंपनी आपको बहुत रेयर मिलते हैं, तो खरीदना है तो सोचना नहीं है दोस्तों, ठीक है। जितना वेट करोगे उतना ही आपको नुकसान होगा, अच्छे कंपनी में ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। हालांकि मान लीजिए आपके पास कैपिटल कम है, ठीक है, मान लेता हूँ कि आपके पास कैपिटल कम है, थोड़ा थोड़ा खरीदिए, एसआईपी के मोड में खरीदिए। मैक्सिमम देखिए चार्ट देख लीजिए, जब भी गिरावट होता है, लेकिन ये देखिए अपर ट्रेंड में ही जा रहा है दोस्तों। इसका जो ट्रेंड है यहाँ पर देख सकते हैं, अपर साइड है, कोई लोअर साइड नहीं है। तो हर एक गिरावट पर आपको खरीदारी करना है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। मैंने जब वीडियो बनाया था 2-3 महीने पहले, ठीक है, 2-3 महीने पहले, तो 2-3 महीने में अगर आपको अच्छा परसेंटेज मिल जाता है, 100 या 150 पॉइंट आपको मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए मैं अपना YouTube चैनल आपके साथ जो है शेयर करता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, आपके अपने YouTube चैनल में सर्च मारना, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। ये सुबह सुबह मैंने वीडियो अपलोड किया गया था, इसमें अराउंड 7 to 8 स्टॉक के बारे में डिस्कस किया गया था, और सारे स्टॉक में आप जाके देख सकते हैं 10% की तेज़ी, किसी में 5% की तेज़ी, किसी में 3% की तेज़ी एक दिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए मैंने ये वीडियो 21 आवर्स पहले अपलोड किया था, प्रेस्टीज इस्टेट, इसमें जाके देख लीजिए 6% की तेज़ी एक दिन के अंदर। तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, रिलायंस और टाटा मोटर में भी आप देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री जब पूरा गिर चुका था
15 बिलो 1500, जैसे 1500 को लेवल को टच किया उसके बाद से मैंने बोला खरीदारी करना, और आज के डेट में आप देख सकते हो। तो ये है दोस्तों परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट। यहाँ पर देख लीजिए क्विज कॉर्पोरेशन, देखिए मैं वीडियो को रोल करते जा रहा हूँ, आप देखते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्विज कॉर्पोरेशन, यहाँ पर देख सकते हैं 20 डेज के अंदर मैंने 70 पॉइंट का प्रॉफिट दिया, 70 पॉइंट का प्रॉफिट दिया, सोचिए कितना अच्छी बात है। यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे सारे वीडियोज़ के साथ जो है पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को एक दिन पहले पता चल जाए जो बहुत अच्छे स्टॉक है जिसमें आप मतलब अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप हमारा सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सर्विस ज्वाइन करने से पहले कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो क्या है दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे डेमो चाहिए, सिंपल चाहिए, ट्रायल चाहिए, जो भी चाहिए आप लोगों के लिए जो है वीडियो अपलोड कर दिया जाता है यूट्यूब में। आप हमारे सारे वीडियोज़ के साथ जो है पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं। अभी देखिए मैंने बताया इन्फोसिस को 650 के भाव में खरीदने के लिए, वो क्या था, डेमो ट्रायल ही था ना। डेट भी मैंने आपको दिखाया, डेट भी मैंने दिखाया, और वीडियो के अंदर मैंने प्राइस भी दिखाया कि 650 के प्राइस में था, आज के डेट में 740 हो चुका है, तो मैंने प्राइस भी दिखाया। और वो प्राइस कब था, 1 महीने पहले दोस्तों, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता मार्केट में। तो देखिए वो क्या था, और उसके बाद मैंने जो आपको वीडियोज दिखाया, आप जाइए सारे वीडियोज के साथ जो है पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपको अच्छा लगता है तो आप हमारा सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाला नंबर है ये व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर है, ओनली व्हाट्सअप का नंबर है, और ये जो नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आने वाला वीडियो मिस ना हो जाए।